मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ एसबीआई का। आज हम बात करेंगे एसबीआई मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत बढ़िया फंड है ये। मैं इसको इसलिए बढ़िया बता रहा हूँ, अगर हम म्यूचुअल फंड नहीं करेंगे तो कभी भी गरीबी हमारी खत्म नहीं होगी। ये बात आप गांठ बांध लो, अगर आपने अपनी गरीबी को दूर करना है तो म्यूचुअल फंड को करना जरूरी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए है, मान लो आपने गवर्नमेंट स्कीम किसी में भी पैसा लगाया, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम ले लो आप, जिसके अंदर इंटरेस्ट मिलता है हमें, 8% से इंटरेस्ट हमें ऊपर नहीं मिलेगा जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, और हमारा पैसा गवर्नमेंट डायरेक्ट मार्केट में लगाती है और हम म्यूचुअल फंड के द्वारा अपना पैसा डायरेक्ट मार्केट में लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड का पैसा हम डायरेक्ट मार्केट में लगा सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब उसके लिए करना क्या होगा, हमें एसआईपी करनी होगी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना होगा। हर महीने कुछ इतने पैसे बचा लें कि हमारे आने वाला रिटायरमेंट का जो प्लान है वो बेहतरीन गुजरे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग कहते हैं सर आपने 2,500 रुपये बताए हैं और टाइम काफी लंबा बता दिया। रिटायरमेंट, एक बंदा एक पूरी जिंदगी रिटायरमेंट होता है अपनी नौकरी से, उसके बाद वो 10 लाख, 15 लाख, अप्रोक्सीमेट 20 लाख, जो 15,000 रुपये की तनख्वाह में आज बंदा रह रहा है, वो रिटायरमेंट पे 20 लाख रुपये लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ईपीएफ उसका कटेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो 8% पे ब्याज मिलेगा उसको, और जो महंगाई है वो 7% पे बढ़ रही है। यही बात समझनी है आपने। अगर आपको समझ में आ गई ये बात तो आप म्यूचुअल फंड में जाओगे, म्यूचुअल फंड डायरेक्ट आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाएगा, और शेयर मार्केट इंडिया के हर इंसान की पैसे की प्यास बुझा सकता है, ये रियल है, अगर किसी को समझ में आ गया तो। ये जाता सारा पैसा शेयर मार्केट में है। तो आज मैं आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा बताऊंगा कि पैसे आपके बनेंगे कैसे। इसका नाम है एसबीआई मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें 13 रुपये अभी स्टार्ट हुआ है। रेटिंग इसका नील चल रही है। फंड साइज इसका बहुत बेहतरीन है, 14,268 करोड़ है, बहुत ही ज्यादा है। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आपने ले रखा है, अगर लेना चाहते भी हो तो एक फंड साइज देखना है, 5,000 करोड़ से अगर ऊपर का है तो आप आराम से ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। जो भी आपको पसंद हो, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई कॉन्ट्रा, जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो। अब बात करते हैं होल्डिंग 42 कंपनियां जो हैं, ये सारी की सारी शेयर मार्केट की कंपनियां हैं। हमारा पैसा घूम के शेयर मार्केट में जाना है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। कहीं भी पैसा लगा रखा है मैंने, एलआईसी, सुकन्या, या ईपीएफ, पीपीएफ, आरडी, एफडी, कहीं भी A to Z गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम में आपने लगा रखा है, आप नेट पे क्रोम पे जाके चेक कर सकते हो कि गवर्नमेंट हमारा पैसा कहाँ लगाती है। घर से तो कोई देगा नहीं, हर कोई बंदा आपके पैसे का यूज करेगा, तो क्यों ना आप अपने पैसे को ढंग की जगह लगाएं और आपका आने वाला भविष्य और आपके बच्चे सुरक्षित हो। उसके लिए क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड लेंगे। अब ये 42 के बारे में मैं बता देता हूँ, ये सारी की सारी शेयर मार्केट की कंपनियां हैं। उसमें से मैं 4 कंपनियों के नाम बताऊंगा। टीवीएस मोटर 5.82 के करीब, भारतीय एयरटेल 4.89 के करीब, आईसीआईसीआई बैंक 3.54 के करीब, एसबीआई बैंक 3.15 के करीब। 4 के नाम बताता हूँ, इसमें से 4 में 2 तो बैंक है बड़े और 2 बड़ी कंपनियां हैं। कई लोग कहते हैं कि पैसा डूब जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे सर, ऐसी चीजों पे ध्यान मत दो आप। अगर ऐसी चीजों पे ध्यान दोगे तो आपका जो समय है वो निकल जाएगा, फिर आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, फिर तो वो मतलब टाइम पास वाली बात होगी। अगर आपके पास 5 साल है, 6 साल है, तो मत लगाइए म्यूचुअल फंड में पैसा आपका। आरडी, एफडी, जहां आप कर रहे हो वहां करते रहिए, कोई इशू नहीं है। अगर आपको एसबीआई का कोई भी म्यूचुअल फंड लेना है, बैंक में जाके लीजिए। और म्यूचुअल फंड में आपके पास में मल्टी कैप होना बहुत जरूरी है। ये मल्टीपल कंपनियों में पैसा लगाते हैं। इन कंपनियां ये कंपनियां ही आगे चल के बड़ी होंगी और आपका पैसा भी बड़ा होगा। हमें तो अपने पैसे को ज्यादा करना है, उसके लिए हमें म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, 0.93 के करीब। एग्जिट लोड 1% है, 1 साल से अगर पहले पैसे निकलवाओगे। एएम की बात कर लेते हैं, 8,84,585 करोड़ है, बहुत बड़ा एएम है। हमेशा फंड में 2 चीज देखने लगते हैं, फंड साइज और एम। ये 1 लाख करोड़ होना चाहिए, ये 5,000 करोड़, फिर आप आराम से पैसा लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आर रिटर्न की बात करते हैं, 16.76, 1 ईयर की बात करें 27.81, 6 मंथ की बात करें 12.99 के करीब है। केवल 2,500 रुपये आज के टाइम में हर इंसान बचा सकता है, अगर वो चाहे तो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहे, अपने बच्चों की, तो 2,500 रुपये बचाए और एसबीआई मल्टी कैप फंड में लगाए। 16.76
76 रिटर्न मान के चलते हैं, 33 साल रिटायरमेंट के फंड के हिसाब से बताया मैंने ये, 33 साल आपने लगाया, 9,90,000 रुपये आपको मिलेंगे, 4,38,99,099 रुपये पूरे जीवन काल में इतना पैसा नहीं मिलना। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, 20-25 लाख में अपनी जिंदगी पूरी खोदोगे, अगर आप 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हो। अगर आपको ज़िंदगी बदलनी है तो आपको म्यूचुअल फंड लेना ही पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है, 2 साल बाद लो, 3 साल बाद लो, 5 साल बाद लो, बैंक में जाके लीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं हमारे पास लीजिए। आप बैंक में जाइए, बैंक में जाके डॉक्यूमेंट्स क्लियर कीजिए, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड KYC करेंगे, फिर आपको बताएंगे भी बैंक मैनेजर की वाकई में ये फंड बहुत बढ़िया है, और फिर आपका पैसा कंटिन्यू मंथली कटना स्टार्ट हो जाएगा, 10 तारीख 15 तारीख 20 तारीख, वो आपकी इच्छा है। और हमेशा याद रखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड नहीं लोगे, अगर आप गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर रहोगे, देखो मार्केट रिस्क है, 100% मार्केट रिस्क है, मैं ये नहीं कह रहा मार्केट रिस्क नहीं है, पर म्यूचुअल फंड सही है, ये बिल्कुल ओके है। अगर म्यूचुअल फंड लोगे तो आपको धीरे धीरे एनालाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं कहता हूँ फोन पे से जाके कर लो, आप 100 रुपये में लगाओ पैसा, 1 साल 2 साल करके देखो, आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करो, अदरवाइज एग्जिट हो जाओ, जो आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।